है ओनली महिंद्रा थार का 4x2 वेरिएंट। और भाई इसकी कंप्लीट लुक आपको 4x4 जैसी सेम मिलती है। स्टार्ट करते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल से। फ्रंट प्रोफाइल में आपको हेलोजन हेडलाइट देखने के लिए मिल जाती है, नीचे आपको फोग लाइट मिल जाती है और साइड में आपको इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाते हैं। इसमें जो आपको ग्रिल मिलती है ये भी भाई आपको छोटी सी देखने के लिए मिल जाती है। अब चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल में। साइड प्रोफाइल भी आपको कंप्लीट 4x4 जैसी सेम देखने के लिए मिलती है। यहाँ जो आपको टायर साइज मिलता है ये भी आपको 18 इंच का मिलता है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं। साइड के मिरर को आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट कर सकते हैं पर फोल्ड नहीं कर सकते। अब चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल में। रियर प्रोफाइल भी आपको कंप्लीट 4x4 जैसी सेम देखने के लिए मिलती है। पीछे आपको 18 इंच का टायर साइज देखने के लिए मिल जाता है और पीछे जो आपको टेल लाइट मिलती है ये भी आपको कंप्लीट 4x4 जैसी सेम मिलती है। अब चलते हैं इसके इंटीरियर तरफ। इंटीरियर पहले डोर पर भाई आपको कोई कंट्रोल देखने के लिए नहीं मिलता। मिरर को आप खाली इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट कर सकते हैं पर फोल्ड नहीं कर सकते। यहाँ पर जो आपको सीट मिलती है वो आपको फैब्रिक वाली देखने को मिलती है। इन सीट को आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। और ये भाई इसका पूरा इंटीरियर। जो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है ये भी आपको 4x4 जैसा सेम मिलता है। स्टीयरिंग पे आपको क्रूज कंट्रोल, ऑडियो कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है। ये है इसकी बड़ी सी टच स्क्रीन। इसमें मिल जाता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और इसके नीचे इसके कुछ ड्राइव मोड मिल जाते हैं। और इसमें मिलता है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। और इसमें 4x4 ना मिलकर यहाँ पर आपको छोटी सी स्पेस मिल जाती है स्विच, वो आपको विंडो पर ना देखा हमें आपको सेंटर में देखने के लिए मिल जाते हैं। इसमें मिल जाता है मैनुअली हैंड ब्रेक और स्पीकर भी आपको रूफ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। और पीछे जाने के लिए भाई आपको दूसरी वाली सीट को ऐसे फोल्ड करके आप इसके पीछे जा सकते हो। और पीछे वाले रो में भाई कोई आपको अच्छा खासा कंफर्ट देखने के लिए नहीं मिलता है।